प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाउन हॉल स्थित कचहरी क्लब के मैदान में एक जिला एक उत्पाद के योजना अंतर्गत आयोजित रेडीमेड गारमेंट प्रदर्शनी में लगे विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया तथा स्टालों पर विक्रय किए जा रहे रेडीमेड गारमेंट के निर्माण मार्केटिंग सहित अन्य बिंदुओं की जानकारी हासिल की। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत टेराकोटा के बाद रेडीमेड गारमेंट्स को जोड़कर इस प्रदर्शनी के माध्यम से उत्पादों को एक मंच देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में जिस भी स्टॉल पर मैं गया, हर एक स्टॉल से मुझे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिली। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान रेडीमेड गारमेंट मार्केट की संभावनाओं को खोजा गया और उसकी समस्याओं को नजदीक से देखा गया और इस बात को महसूस किया गया कि उद्यमी की समस्या क्या है। प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को मंच तथा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने फरवरी 2018 में एक जिला एक उत्पाद की इस अभिनव योजना का प्रारंभ किया। योजना का उद्देश्य था कि परंपरागत उत्पाद को हम प्रोत्साहित कर सके और प्रसन्नता है कि आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री ने जो परिकल्पना की है उसे साकार करने के लिए एक जिला एक उत्पाद की योजना बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रही है और यह योजना उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए परंपरागत उद्योग में वोकल फॉर लोकल की इस अभियान को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा, लेकिन इसके लिए गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रेडीमेड गारमेंट के तहत गोरखपुर में 15,000 लोगों को रोजगार मिला है और बैंकों मार्केटिंग तकनीक के साथ जोड़कर 50,000 लोगों को रोजगार दिलाने के लिए कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर रेडीमेड गारमेंट का हब बन सकता है। यदि गोरखपुर रेडीमेड गारमेंट का हब बनेगा तो प्रदेश को भी रेडीमेड गारमेंट का हब के रूप में विकसित कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक मार्केट है, सस्ता मैन पावर है, बस प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से वर्ष 2020 में एक जिला एक उत्पाद के तहत रेडीमेड गारमेंट को शामिल किया गया। विगत 1 वर्षों में 5 बिंदुओं संसाधन, भूमि की उपलब्धता, मार्केटिंग, बैंकों से लोन, प्रशिक्षण पर कार्य किया गया और लगातार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स की स्थापना की गई और निरंतर उद्यमियों के साथ संवाद भी किया जाता है जिससे कि उद्योग को बढ़ावा मिल सके। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन सहित अन्य अधिकारी, उद्यमी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ये आप बना रहे हैं? जी हाँ। कहाँ? ग्राम परिजीता के बोल। कितने लोग हैं इसमें? 50 लोग आगे से निकलिए। भाई चलिए चलिए आगे बढ़िए। बराबर तो आने दो भाई। भाई अरे तू भी जान रही है, क्या नाम है तुम्हारा? तो ये सब बनाती हो? अब तुम क्या करती हो? स्कूल स्कूल पढ़ती है? कौन क्लास में? फिफ्थ में हो? मेहनत से कहाँ पे? ओ ये सब आप ही सिलते हैं? वहीं सिलते हैं? कारीगर हैं। स्वागत है, उनका नाम दिया गया है। रोज काम के सामान बिक जाता है, बिकता उतना दिन। कैसे करेंगे इसके लिए? क्या मार्केट की क्या व्यवस्था की है? सामने नहीं है तो हम कैसे खींचे? थोड़ा भाई मोबाइल नीचे करिए।
तो कोरिया से। अच्छा वो पिछली बार आया था ना? हाँ हाँ, ये तुम्हारा चल रहा है ना? हाँ, कितने लोग कर रहे हैं वहाँ पे? सबके खर्च चल रहा है, सब लोग कमा रहे हैं, लोग वहाँ बनाते हैं। और गोरखपुरिया का लोगो भी है जी, जींस डेनियम है ये दिख रहा है। हाँ, अभी महाराज जी हमने बहुत मेहनत किया जब से आपने वो डिलीवरी में किया है। आप सप्लाई करते हैं, आप लोग लेके देते हैं? डिमांड करता हूँ। आप लोग कहाँ से काम करते हैं? और गोरखपुर से ही बना रहे हैं, और हमारा सब कॉटन बेस का ही हम कपड़ा बना रहे हैं। हम लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए बॉटम बेस बना रहे हैं, और सब कॉटन बेस के काम है। और हम लोग पैकिंग वगैरह भी जो है वो प्रॉपर जैसे हम लोग की बाहर से आती है पैकिंग, उस तरह की क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्योर कॉटन बेस की चीज़ें हम लेडीज से लेके दे रहे हैं, सब उसका सामान के सामान है। आप लोग कहाँ से हैं? सब यहाँ बनाते हैं, सब यही बनता है। सर मार्केट वगैरह मिल जाता है इसका? कितने कारीगर हैं? 12-15 कारीगर हैं। हमारे बीच हमारे भारतीय प्रांतीय अध्यक्ष प्रवीण मोदी, महासचिव चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज लक्ष्मी शास्त्री, बीटी कोरिया में आपने मुंबई से आकर के अपना उद्योग लगाया है, और उस उद्योग को 2016 में हम और बहुत अच्छे ढंग से अपना उद्योग चला रहे हैं। बाहर बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिचौलियों से वो बचेंगे और उनको अपनी वस्तुओं का वाजिब रेट मिलेगा। एनजीओ के लिए गोरखपुर से बोल रहे हैं। आइए सब लोग के मंडलायुक्त महोदय से, जो कि हमारे इस मंडल के मुखिया हैं और जिनकी प्रेरणा से ये उद्योग प्रदर्शनी लगी है। वास्तव में इसके ऊपर जो काम किया है आपने, इतनी मीटिंग्स की, उद्यमियों के साथ में बैठक की, और आपकी प्रेरणा से ही ये प्रदर्शनी लग पाई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ओडीयूपी में रेडीमेड गारमेंट्स भी एक हमें टेराकोटा के साथ लिए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ था, और तब से लेके सर विगत 5 महीनों में हम लोगों ने 5 बिंदुओं पर कार्य करने का प्रयास किया है। पहला, उद्यमियों और इनसे जुड़े हुए देश में जो भी संस्थान हैं उनके मध्य संवाद स्थापित करने का। दूसरा, भूमि उपलब्धता के ऊपर जोर देने का, जिससे कि उद्यमियों की डिमांड के क्रम में हम उनको समयानुसार और निर्धारित समयावधि में ठीक जगह पर जमीन दे सके। तीसरा, मार्केटिंग की जो लिंकेजेस हैं उनको स्थापित करने का। चौथा, बैंक से लोन मिलने में जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें ना आए, और एक सिंगल विंडो सिस्टम की तरह उन्हें आसानी से लोन मिल जाए उसका। और पांचवा, ट्रेनिंग पैकेजिंग की, ट्रेनिंग प्रोडक्ट को विविध बनाने की। ये 5 बिंदु पर सर हमने प्रयास कर किया है, कार्यक्रम किया है। भूमि उपलब्धता में सर सीओ गीडा तो दायित्व तो दिया गया है, और उन्होंने दोनों जगह 50 एकड़ भूमि सर हम लोग एक माह में रेडीमेड गार्मेंट्स के लिए हमारी कानपुर और डीएम गोरखपुर साहब मार्केटिंग में जो भी प्रयास किए जाने उसको कर रहे हैं, और उसी में ये प्रयोग हम लोग करेंगे और इसको हम कंटिन्यूस करेंगे। बैंक लोन में एलडीएम की टीम लगी हुई है, और हमारे प्रयास है कि ओडीओपी में जो लक्ष्य 20-21 का था उससे भी एक जगह लेकर के काम किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आयोजित रेडीमेड गारमेंट प्रदर्शनी के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णुजीत सरिया जी, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी कौन, श्री एस के अग्रवाल जी और अन्य सभी पदाधिकारी कौन,
गोरखपुर के मंडलायुक्त जिलाधिकारी सामने सभी प्रशासनिक अधिकारी गण, पुलिस अधिकारी गण और उपस्थित एक जनपद एक उत्पाद से जुड़े हुए सभी हमारे उद्यमी गण, भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सबने प्रदेश सरकार की योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जुड़ करके गोरखपुर में हम लोगों ने 13 कोटा के साथ ही रेडीमेड गारमेंट्स को भी इसके साथ जोड़ा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जोड़ा है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपने इसमें रुचि ली और अपने उत्पाद को एक मंच देने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। उत्साहपूर्ण तरीके से आप सब आए हैं, मैं इसके लिए हृदय से आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैं जिस भी स्टॉल में गया हूं, हर एक स्टॉल से मुझे बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मिली। उन्होंने जो बात की बहुत सकारात्मक भाव से कही। मैं जानता हूं इस मार्केट में पिछले 4 वर्षों के दौरान हम लोगों ने मार्केट की इन संभावनाओं को प्रदेश के अंदर कटोड़ा है, उसकी समस्या को नजदीक से देखा है और मैंने इस बात को महसूस किया कि वास्तव में हमारे उद्यमी की समस्या क्या है। प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और मैं तो बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश अपने आप में संभावनाओं वाला प्रदेश है। इन संभावनाओं को मंच देने के लिए और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने फरवरी 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना को प्रारंभ किया। इसके पीछे का उद्देश्य था कि परंपरागत उत्पाद को हम प्रोत्साहित कर सके, उसके लिए एक मंच दे सके, उसके लिए मार्केटिंग दे सके, उसको हम वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ सके और साथ साथ ये भी हम व्यवस्था सुनिश्चित कर सके कि उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना, समय के अनुसार डिजाइनिंग का, समय के अनुसार उनको मार्केटिंग का, समय के अनुसार उनकी ब्रांडिंग का, समय के अनुरूप उनको वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए ये अभिनव योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की और आज मुझे प्रसन्नता है कि आत्मनिर्भर भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह कर रही है, उस योजना उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें परंपरागत उद्यम को वोकल फॉर लोकल के इस अभियान को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। याद रखना, सेना में एक वाक्य दोहराया जाता है जो उनका मंत्र बनता है कि प्रशिक्षण में जितना पसीना बहाएंगे युद्ध के मैदान में उतना ही कम खून बहेगा और मुझे लगता है ये उद्यम के क्षेत्र में भी है। कोरोना कालखंड में 10,000 से अधिक प्रवासी कामगार गोरखपुर में आए। अरे पंकज भैया एकदम, और खासतौर पर 10,000 कामगार तो ये रेडीमेड गारमेंट से जुड़े हुए हैं जिसमें टेलर मास्टर थे या मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग। इन 10,000 लोगों को गोरखपुर में ही काम मिले, इन्हें फिर से बाहर जाने की नौबत ना आने पाए, इसके लिए रेडीमेड गारमेंट्स को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गोरखपुर के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 13 कोटा के साथ इसको भी जोड़ने का कार्य किया और मुझे प्रसन्नता है कि आज लोगों ने इसमें रुचि लेनी प्रारंभ की। वे सभी उद्यमी इसमें आज रुचि ले रहे हैं, मार्केटिंग से अपने उत्पाद को जोड़ने का काम कर रहे हैं और प्रशासन भी इसके साथ जुड़ करके इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हम लोगों ने इसीलिए कहा, आत्मनिर्भर पैकेज में प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई यूनिट के लिए ऋण सहजता के साथ उपलब्ध हो सके इस कार्यवाही को आगे बढ़ाया।
हमने हर जनपद में जिलाधिकारियों को इस बारे में पहले ही निर्देश जारी कर रखे हैं कि वह जनपद स्तर पर उद्यमियों के साथ हर महीने बैठक हो। मंडलायुक्त भी हर दूसरे तीसरे महीने में उनके साथ बैठे, उनकी समस्याओं को सुने और जो समस्याएं स्थानीय स्तर पर समाधान होनी है तत्काल उसका समाधान हो, और जो समस्या स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं हो सकती है प्रदेश स्तर पर होने उन्हें प्रदेश स्तर पर उसका समाधान करने के लिए भेजे और वहां पर भी उनका समाधान निकाले, समय सीमा के अंदर समाधान निकाले। इसके साथ ही बैंकों से जुड़ी हुई जो समस्या है, फाइनेंस की समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए बैंकों के साथ जनपद स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक यह भी हर दूसरे तीसरे महीने होती रहनी चाहिए, जिससे जनपद के अंदर हम जनपद के सीडियो रेशियो को भी सुधार सकें और अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ बैंकों के साथ जोड़ करके वहां पर उनके यहां उनके उद्यम को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान दे सकें। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के पीछे सरकार का हित तो बहुत स्पष्ट है और उसके पीछे शासन ने, केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएं पहले से घोषित कर रखी है। मेरा यह मानना है कि कम पूंजी पे ज्यादा लोगों को रोजगार की संभावना है। रेडीमेड गारमेंट्स में जो अब तक गोरखपुर में कार्य हुआ है अकेले इसमें 15,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के साथ जुड़े हैं। मुझे एक बात बताइए कि अगर ये पूरी पूंजी हम देखेंगे ये कुल 350 करोड़ रुपए की है, 350 करोड़ रुपए में 15,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्या किसी उद्योग में संभव है कि इतनी पूंजी में हम 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दे सके? लेकिन ये एमएसएमई में संभव है, रेडीमेड गारमेंट्स में संभव है। जिस भी स्टाल में गया उसने इस बारे में कहा कि हम यह कार्य अपने घर में या अपने वहां कर रहे हैं। बीती खोड़िया में तो मैं स्वयं 2016 में गया था और मैंने वहां पर उस कार्य को अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उन्होंने अपने स्वयं से प्रेरित होकर के गांव की महिलाओं को एक मंच दिया और 25 महिलाएं उस समय 2015-16 में वहां पर उस गांव में एक युवा उद्यमी के थोड़े से प्रोत्साहन से वे 25 महिलाएं प्रतिदिन 300 से 500 रुपया कमाने का कार्य कर रही थी। यानी महीने में देखेंगे तो 9,000 से 15,000 रुपए हर महीने कमाने की क्षमता। जिस परिवार में महिला कमाने लग जाएगी उस परिवार में कुछ भी कमी रह ही नहीं सकती है। और मुझे लगता है कि यह भाव जो लक्ष्मी का रूप हम लोग एक बालिका में देखते हैं, मुझे लगता है कि महिला तो इस प्रकार की स्वावलंबी महिला तो उसकी जीती जागती उदाहरण होती है। और यह कार्य वहां पर मैंने देखने को देखा था, मैंने वहां पर उस समय में स्वयं जाकर के एक एक महिला से मैंने बातचीत भी किया था। मैंने कहा आप लोग कब आते हैं काम पे? उन्होंने कहा घर में भोजन बनाने के बाद आते हैं, घर का सारा काम धाम करने के बाद 10 बजे के आसपास आते हैं और 6-7 घंटे यहाँ पर कार्य करते हुए फिर दिन भर कार्य करके और 300 से लेकर 500 रुपए हम लोग कमा लेते हैं और फिर शाम को अपने घर गृहस्थी का काम कर लेते हैं। यानी कितना अच्छा कार्य है। गोरखपुर की आबादी 55 लाख है, 55 लाख में से मेरा अनुमान है कि लगभग 25 लाख तो महिलाओं की आबादी होगी और ये 25 लाख की आबादी में अगर हम लोग उस व्यवस्था को जाकर के देखेंगे तो काफी बड़े पैमाने पर गोरखपुर रेडीमेड गारमेंट्स का एक हब बन सकता है। और उत्तर प्रदेश आबादी में अगर देश का सबसे बड़ा राज्य है तो उत्तर प्रदेश को हम रेडीमेड गारमेंट्स के एक बहुत बड़े हब के रूप में आगे विकसित कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में एक मार्केट है। आपके पास सस्ता मैन पावर भी है, आपको उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है और मुझे प्रसन्नता है नेट्रा के साथ मिलकर के इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। मुझे बताया गया है कि अभी तक लगभग 500 करोड़ रुपए का रेडीमेड गारमेंट्स गोरखपुर में ही बनता है, जिसके लिए गोरखपुर मार्केट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश मार्केट है।
लेकिन साथ साथ गोरखपुर में 2000 करोड़ रुपए का ऐसे ही रेडीमेड गारमेंट्स बाहर से भी आता है। ये 2000 को भी गोरखपुर का मार्केट अपने कब्जे में ले सकता है। और इस 2000 की आपकी यहाँ पर जो सप्लाई है, अगर गोरखपुर में रेडीमेड गारमेंट्स के लिए जो हम फ्लेटेड योजना लेकर के आ रहे हैं गीडा में, बहुत शीघ्र इस योजना को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। गीडा प्रशासन से मेरा आप आग्रह होगा कि वह इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें, जिससे प्लेटेड योजना के अंतर्गत इस प्रकार के कार्य योजना को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा करके अधिक से अधिक लोगों को इस कार्य योजना के साथ जोड़ सके। दूसरा, अधिक से अधिक लोग यहां पे रोजी रोजगार के साथ जोड़ सके, बैंकों के साथ जोड़ना और मार्केट के साथ जोड़ना। समाज की मांग क्या है, उस मांग के अनुरूप उस प्रकार के केंद्रों की स्थापना करना, यहां पर उस प्रकार के इंस्टीट्यूट की स्थापना की कार्रवाई गीडा में हो, जो समय से समाज की आवश्यकता के अनुरूप सप्लाई की डिमांड भी उन लोगों से करें और वे लोग उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। उस प्रकार की ट्रेनिंग, उस प्रकार की डिजाइनिंग, बैंकों से जोड़ने की कार्रवाई, ये सभी एक साथ अगर जुड़ जाए, एक चेन आपस में जुड़ जाए, तो गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट्स के हब के रूप में डेवलप होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरा यह मानना है कि अभी 15,000 लोग प्रत्यक्ष रोजगार से रेडीमेड गारमेंट्स के साथ गोरखपुर में जुड़े हैं। इस संख्या को हमें आने वाले समय में 15,000 से बढ़ाकर के 50,000 तक लेके जाना है, जो गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक मंच होगा, रोजगार का एक मंच होगा, जहां पर प्रत्येक नौजवान प्रति माह 15,000 से लेके 25,000 रुपए की आमदनी कर सके और अपने गांव, अपने घर में रह करके एक अच्छी जिंदगी का गुजर बसर कर सके। इस विश्वास के साथ मैं इस ओडीओपी योजना के अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट्स की इस प्रदर्शनी का जो 16 मार्च से प्रारंभ हुआ, कल तक ये योजना चलेगी, इसके प्रति हृदय से आयोजकों को साधुवाद देता हूं, अच्छे आयोजन के लिए बधाई देता हूं। आने वाला पर्व होली है, होली और अन्य पर्वों की हृदय से शुभकामना देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब उत्साह और उमंग के साथ प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान देकर के प्रदेश सरकार के स्तर पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, प्रदेश सरकार इस योजना को प्रोत्साहित करके हर प्रकार का सहयोग इस योजना के लिए आपको उपलब्ध कराएगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। मार्केट क्या है, ये सब आप बनाते हैं? वाह, कहाँ पे खोले हैं? ये सब मार्केट मिल जाता है बाजार में? अभी हम नंबर में डाले, अभी डाले तो मार्केट मोड़ी है थोड़ा। हाँ, शोरूम आप कहाँ से? वहाँ बना रहे हैं इसको? हाँ, पीछे जगह मिलेगा तो पीछे रहेंगे तो नहीं फटेगा। इससे पिछला जाता कुछ मार्केटिंग करिए, 4-5 साल पहले आए थे, ये नहीं कर पाए, फिर आए हैं। अब ये काम करो उसको, ठीक है ना? एकदम कर रहे हैं। आप कहाँ काम करते हैं? बंद जाएंगे, आप लोग कहाँ काम करते हैं? अरे क्या नाम है? हैं? उसका नाम, उस बच्चे से अपना नाम बताओ। कौन क्लास में पढ़ती है? बहुत सुंदर। और ये बनाते हैं, यही बनाते हैं क्या? सिंपली जाके बड़ी हो रखी है। वाह भाई, बहुत जोरदार है। आप बताइए कहाँ ये बनता है? मार्केट इन लोगों को एक मार्केट दो इन, बहुत सुंदर यहाँ पे। अच्छा अच्छा काम कर रहा है। आगे चलना है सर, इधर जाना है? नहीं नहीं, आगे आगे चलना है। ये हो गया। बहुत धन्यवाद।
सारे मैन्युफैक्चरर सर आपको अच्छा मार्केट मिलेगा। क्या है लोगों को, कौन से क्या सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा है? थोड़ा सर जी चलिए बड़ा